ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। कंगना रनौत ने पिछले दिनों लगातार, दिनों ही नहीं कहूँगा मैं तो कहूँगा, आप देखिए पिछले कई वर्षों से लगातार इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है जिससे केवल सिख समाज ही नहीं हर वर्ग जो है उससे आहत हो रहा है। और वो तमाम बयान इस प्रकार के दे रही है कि जिससे आम आदमी के बीच में दरार पैदा हो। अब पिछले दिनों देखिए उन्होंने जिस प्रकार से सिखों के लिए बयान दिया और उन्हें मोदी जी को फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से एक पोस्ट लिखी जिसमें कहा गया कि सिखों को कुचल देना चाहिए जिस प्रकार से मच्छरों को कुचला है। ये तो उनकी आप समझ सकते हैं कि सोच है, वो भूल गई कि सिखों का क्या योगदान रहा। आप ये देखिए, जब से हमारा सिख हमारा धर्म स्थापित हुआ 500 सालों से हमारे गुरुओं ने जो है सिख जो हमारे धर्म में आपसी प्रेम सद्भाव का संदेश सभी पूरे विश्व के लिए दिया है। और आप देखिए उसके बाद जो आज़ादी के लिए वो बयान देती है कि आज़ादी हमें भीख में मिली, वो भूल गई कि सिखों का आज़ादी के समय में क्या योगदान रहा। हजारों लाखों की तादाद में सिख शहीद हुए थे तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। अगर इस प्रकार से वो भीख की आज़ादी कहती हैं तो ये सिखों का नहीं, वो तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो हमारे जितने भी हमारे उस वक्त के आंदोलनकारी थे उनके ऊपर तौहीन है। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है, उनको इस प्रकार से बयान नहीं देने चाहिए। आज हम एकत्र हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देंगे, उसका पुतला भी फूकेंगे और राष्ट्रपति महामहिम से दरखास्त भी करेंगे कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उसको जिस प्रकार से पद्मश्री दे करके उसको अलंकृत किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके तमाम जितने अवार्ड आज तक दिए गए हैं वो तमाम अवार्ड उसे वापस हो। ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।